हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे। तो आज है शुक्रवार और वेलकम बैक टू माय चैनल द मोगल जियास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और गर्मियों में खूब मजे कर रहे होंगे वैकेशन के। तो आज अभी बज रहे हैं 10 और ये चले गए हैं ऑफिस और बच्चों को नहला धुला के नाश्ता करवा के रेडी कर दिया है। और आज मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि बेड के ऊपर तो डेली सफाई होती ही है, बेड के अंदर की कुछ सफाई करी जाए, मतलब बेड खोला जाए। बहुत बड़ा टास्क है पर ठीक है, करते हैं, कोई नहीं। तो चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं बेड के अंदर सामान किस तरीके से एडजस्ट करती हूँ और मेरी सारी ट्रॉलीज को मैंने कहाँ रखा हुआ है, कहाँ मतलब थोपा हुआ है पूरा भर भर के। सुबह सुबह में बेड का हाल कुछ ऐसा होता है, मैश पूरा, तभी मैं गद्दा हटाऊंगी। और बेड के अंदर से एक्चुअली मुझे कुछ काम था, सामान भी निकालना है और वट सावित्री है तो वट सावित्री के लिए मेरी चुन्नी दुपट्टा सब बेड के अंदर ही रहता है क्योंकि वो साल में एक दो बार ही काम पड़ता है, तो वो सब निकालना है। इसके लिए सफाई भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। गद्दा है ये वेकफिट का है, मैंने ऑनलाइन लिया था और इसके ऊपर आपको बहुत सारे दाग दिख रहे होंगे, इस पर बहुत सारे दाग दिखेंगे। तो जो रियल है वो है, उसमें कोई दिखावा नहीं करना, क्योंकि ये टू साइड कवर है, फ्रंट में ग्रे है और बैक में वाइट। तो मैं अल्टरनेटिव उसको बिछाती रहती हूँ और बच्चों को कितना भी डाइपर पहना लो, प्लास्टिक बिछा लो, कुछ भी कर लो, जो उनको करना है वो तो करके ही रहेंगे। तो बच्चों ने इसकी हालत वैसे बिगाड़ दी है कवर की, कवर हम चेंज करेंगे बट थोड़ा टाइम होने के बाद, क्योंकि अभी भी वो छोटे हैं, अभी 5 साल तक तो उनको इतनी समझ नहीं है। तो इसके ऊपर सुसु के तो कम दाग हैं पर इन्होंने दूध बहुत ज़्यादा गिराया है, इनकी हैबिट थी बॉटल खोल के खेलने की। तो ये गद्दा मेरा थोड़ा सा ख़राब आपको दिखेगा जबकि मैंने 2 दिन पहले ही वॉश किया है फिर भी, तो इसको कम्प्लीट अवॉइड। और ये है मेरी शादी का बेड और इसके ये 4 पार्टीशन और चारों में आज हम खोलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो मैंने इस तरीके से रखे हैं अपने क्या बोलते हैं बैग्स, सारी मेरी शादी की ट्रॉलीज है तो इस तरीके से जमा जमा के रखी है। और इसको हम खोलेंगे और थोड़ी सफाई करेंगे। बेड के अंदर इतना गंदा आता कहाँ से? और ये वाली बैग को खोलते हैं और ये आप देख सकते हो, ये ना जो मेरे कपड़े होते हैं, मतलब पुराने तो नहीं होते हैं, मेरे कपड़े अच्छे ही होते हैं, फिर भी जो मैं नहीं पहनती, जो फिटिंग करने लायक नहीं होते और बच्चों के जो छोटे हो जाते हैं, उनमें से मैं इस तरीके से ऊपर ये वेलवेट लगा है और नीचे बेड शीट मैंने इस तरीके की ये दर्री सिलवा के रखी है। ऐसी 8 से 10 दर्रियाँ हैं मेरे पास क्योंकि कभी भी काम आ सकती है, कभी नीचे बिछाने, ये बच्चे छोटे थे तो इसको बिछा के मैं बच्चों को इसके ऊपर खेलने को दे देती थी ताकि ये बहुत मोटा है, अगर गिरते भी तो चोट नहीं आती थी। तो एक ये है और बाकी सारी मैंने रखी हुई है इधर उधर ऐसे करके। और मेरा जो मेन काम है वो है ये कि ये हनी बनी की मतलब बेडिंग है उनके बॉर्न टाइम पे। तो ये ना एक्चुअली मेरी फ्रेंड को बेबी हुआ है तो मैंने उसे पूछा, मेरे पास वैसे ही पड़े हैं, यूज़ तो हुए नहीं थे, ये बस शॉप में ले आए थे तो तुमको दे दूँ, तो उसने बोला यस। तो मैंने सोचा चलो ठीक है ये निकाल लेते हैं
इतने सारे हैं देखो, तो उसको देके ख़त्म करते हैं। ये मेन काम है मेरा आज का। आपको मैं यहाँ पे बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। मेरे पापा 2007 में रिटायर हो गए थे 40 इयर्स की जॉब के बाद गुजरात पुलिस। मैंने अभी तक संभाल के रखा है। मैं छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा मैं इमोशनल रहती हूँ। KS राजपूत हेड कांस्टेबल बी नंबर 198 मेरे पापा का है, जो कि उनकी यूनिफॉर्म पे लगा रहता था, वो मैंने संभाल के रखा है आज भी मेरे पास। और ये बैंगल्स मेरी एंगेजमेंट पे मुझे पहनाए गए थे, तो ये एक ही है मेरे पास, एक शायद खो गया, वो भी मैंने रखा हुआ। और जब मेरा बेड खुलता है ना, तो बहुत सारी मेमोरीज निकलती है। ये एल्बम मेरे बचपन का है, अब तो एल्बम का ज़माना ही ख़त्म हो गया। फ़ोन में फ़ोटो खींचो और पेन ड्राइव में सेव करो। तो ये है कुछ मेरे बचपन की यादें। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये हमारा डॉगी, इसका नाम जूली था। ये मेरा क्लास जब मैं 7 या 8 में थी शायद। हाँ, ये मेरी मम्मा गेहूँ साफ करते हुए। ओके मामा, ये हाँ नानी है तुम्हारी जूली। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होती है जो हमें इमोशनल कर जाती हैं। वो ज़माना कुछ और था, जब हम कैमरा में रोल आता था, रोल खरीदते थे, 100 रुपीज़ का आई थिंक आता था। मम्मी पापा से 100 रुपीज़ मांग मांग के खरीदते थे और वो रोल कैमरा में डालते थे और फ़ोटो खींचते थे। उसमें 36 फ़ोटो क्लिक होते थे शायद, फिर उसकी इस तरीके से रील बनती थी, रील सारे फ़ोटोज़ की, और फिर हमें इसे धुलवाना पड़ता था। वक्त था। हाँ, फिर हम इसे धुलवाते थे। और आज तो फ़ोटोज़ खींचो डिलीट करो। ये मैं हूँ कितनी छोटी। ये फोटो शायद मेरी दीदी की शादी का है, 18 साल पुराना। मामा मुझे वे वे। आ गए तुम, मम्मा जब काम करती है तुम जरूर आ जाओ। मामा मुझे वे वे। मामा मुझे वे वे। तो ये है मेरी शादी का कार्ड मायके का, एक गुजराती और एक हिंदी। गुजराती रिलेटिव्स के लिए गुजराती और हिंदी रिलेटिव्स के लिए हिंदी। तो एक साइड का जो था मतलब एरिया, वो मैंने क्लीन कर दिया है, और ये है सेकेंड साइड का। तो यहाँ पे ये वाला मैंने पहले फर्स्ट वाला पार्टीशन था वो उठा लिया है, और ये है बैग। और ये जो ब्लू बैग आप देख रहे हो, इसमें मेरी ज़िंदगी की कमाई है, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे MA MBA फैशन डिज़ाइनिंग सारे मेरे रिज़ल्ट वगैरह।
तो यहाँ पे मैंने सारा सामान ट्रॉली के अंदर करके रखा है। ट्रॉली के अंदर भी मैंने प्लास्टिक के पाउच में रखा है सामान। मैं चीज़ों की केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, चप्पल्स हो, कपड़े, साड़ी वगैरह। यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा हैंगर्स थे तो वो भी कबर्ड में ज़रूर नहीं थी तो मैंने रख दिए थे बेड में। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ बैग को खोलने की, निकालने की ट्राई, क्योंकि इस ये पूरा बैग भरा भरा है और वज़न भी काफ़ी लगता है अकेले करने में तो दिक्कत होती है, बट ठीक है, हमेशा मैं ही करती हूँ। और यहाँ पे कुछ बहुत स्पेशल चीज़ आपको दिखाऊंगी। जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में थी तब की ये मेरी डायरी है। हम 5 फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स, हम 5ों का नाम लिखा हुआ है और सबकी शादियाँ बाद में हुई तो सबकी शादी के कार्ड, यहाँ तक के एक दूसरे को हमने चॉकलेट डे पे और वैलेंटाइन पे जो गिफ्ट या चॉकलेट्स दी थी उसके पेपर्स भी मैंने इसमें चिपका के रखे हैं। वो भी एक ज़माना हुआ करता था, फ्रेंडशिप हुआ करती थी, आज भी है, बट हम हमारी लाइफ में बिज़ी हो गए इतने हमारे बच्चों के साथ, तो ये हम एक दूसरों के लिए, हम 5ों लड़कियां थी और हम एक दूसरे के लिए शायरी लिखते थे इस तरीके से, लव ये वो सब कुछ हमने इसमें लिखा हुआ है। सबकी है अलग अलग हैंडराइटिंग है, ये नाम है ज्योति, तेनु, बाटली, प्रिया, मतलब ये सब हमने पेट नेम रखे हुए थे एक दूसरे के। तो ये मेरी ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है मैंने। अगर हमारा कभी झगड़ा भी हुआ है तो वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हमारा इस दिन पर झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत कुछ है ये डायरी में। कभी कभी देखती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ। और ये फर्स्ट लहंगा जो मैं शो कर रही हूँ ये लास्ट ईयर का है, ये रजवाड़ी से लिया था, वलसाड़, और ये मेरी ननद की शादी में मैंने लिया था। तो आप देख सकते हो ये इतने भारी भारी लहंगे कोई काम भर में आते नहीं हैं। और ये मेरी शादी की गरबा नाइट का वीडियो था, मतलब गरबा का वीडियो, सॉरी वीडियो नहीं, लहंगा, मतलब गरबा नाइट का था लहंगा। और ये है मेरी शादी का लहंगा, अब देख सकते हो कितना वजन है और इसकी फोल्ड भी इतनी बड़ी बड़ी होती है। ये सब सिर्फ बेड में अब रखने के लिए है, यूज़ कुछ भी नहीं होता। ये है मेरी शादी का दुपट्टा, और ये मेरे बच्चों के, मतलब फ्रॉक हैं। बट मेरे बच्चे जब 2 महीने के थे तब इनके चाचू की शादी थी, मेरे चाचा ससुर के बेटे की, तो हम लोग इन बच्चों को 2 महीने का लेके गए थे तब के ये फ्रॉक थे। और ये वाला जो फ्रॉक है पिंक एंड ऑरेंज, ये इनकी पूजा का था, जब ये लोग 21 दिन के हुए थे तब इनकी पूजा करवाई गई थी घर में, तो ये इनके लिए फ़्रॉक इनके दादा दादी लाए थे। ये मैंने संभाल के रखे हैं एज अ मेमोरी। और ये जो चुन्नी आप देख सकते हो ये मेरी विदाई की चुन्नी है, ऐसी सेम 3 चुन्नी है मेरे पास, एक मेरे मामा ससुर के यहाँ से आई थी, एक मेरे मामा के घर से आई थी और एक मेरी मम्मी ने लाई हुई थी। तो ये है चुन्नी मेरी। और ये वाला लहंगा मैंने 2018 में लिया था, 2018 में मेरी ननद की शादी थी लखनऊ, उसकी शादी में मैंने ये वाला लहंगा लिया था सूरत से। तो ये वाला भी बस एक बार पहन के वैसे ही पड़ा हुआ है और कितना सुंदर और ब्यूटीफुल लहंगा है आप देख सकते हो, दोबारा कभी यूज़ हुआ ही नहीं। और सेम 2018 में ननद की अप्रैल में शादी थी और देवर की फेब में, तो फेब में जो शादी थी उसके लिए मैं ये पिंक वाला लहंगा लाई थी। और ये वाला सूट मैंने खुद सिला हुआ है, उसमें ये सब लेस लगाई हुई है आप देख सकते हो। और ये मैं जब फर्स्ट टाइम मेरे पति से मिली थी, पति देव से, हस्बैंड से ऑफिशियली, तब मैंने ये वाला सूट पहना हुआ था, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी है। तो मैंने इसे संभाल के रखा है, मैंने खुद सिला हुआ था। उस टाइम पे सीरियल आती थी 1000ों में मेरी बहना है, उसमें क्रिस्टल डिसोजा ऐसे ही सूट्स पहना करती थी, तो वो मुझे बहुत पसंद थे, उसका ही मैंने कॉपी किया था। और ये वाला अगेन मेरी ननद की एंगेजमेंट का लहंगा है जो कि मैंने लिया था रजवाड़ी वलसाड़ से ही सेम। तो ये लास्ट ईयर में ही उसकी सगाई में मैंने ये वाला लहंगा पहना हुआ था। मेरे पास फ़ोटोज़ अगर होंगे तो मैं अटैच कर दूंगी सारे, कैसे लगते हैं आप ज़रूर देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो मैं मेमोरीज़ को काफ़ी ज़्यादा संभालना पसंद करती हूँ। और ये कुछ ग्रीटिंग कार्ड हैं जो शादी से पहले आलोक ने मुझे दिए थे और शादी के बाद के कुछ हैं, और ये मेरी ससुराल का शादी का कार्ड है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखी हैं, ताकि मेरे बच्चे भी कभी बड़े हो तो मैं उनको भी दिखा सकूं। और ये सारे मेरी बर्थडे एनिवर्सरी, हमारी मंथली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे तब इन्होंने मुझे जो भी कार्ड वगैरह दिए थे वो सारे हैं मेरे पास रखे हुए। और यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा कबाड़ा,
मेरा एक बेड का जो एक साइड का पार्टीशन, मतलब दो पार्टीशन जो है वो पूरे लहंगे से भरे हैं, और दो पार्टीशन है उसमें मैंने इस तरीके से साड़ियाँ रखी हुई हैं, और कुछ साड़ियाँ बाहर भी हैं, ऊपर भी हैं लोफ पे, फिर भी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। और ये वाला लहंगा है मेरी एंगेजमेंट का, तो ये वाला येल्लो लहंगा मैंने पहना था मेरी एंगेजमेंट में। मैं सारे फ़ोटो अटैच करूँगी ताकि आपको पता चले कि मतलब वो भी वक्त था जो बीत गया, अब बस यादें हैं उस वक्त की, और ये सब चीज़ें संभाल के रखनी है लाइफ टाइम। और ये वाला लहंगा मैंने, मतलब ये इंडो वेस्टर्न लहंगा है, बहुत प्यारा है ये वाला, आप फ़ोटो में देखना। ये वाला लहंगा मैंने हनी बनी की फ़र्स्ट बर्थडे पे लिया था, सूरत से ही लिया था, उनकी फ़र्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन में मैंने ये वाला लहंगा पहना था। सो हेलो गाइस अगेन, अभी बज गए हैं 11:30, बेड साफ़ करते करते और सब कुछ करते, मतलब बेड के साथ फिर मेरा मन हुआ रूम भी साफ़ कर ही देती हूँ, तो सब चकाचक कर दिया है, कपड़े अवॉइड करना, थोड़े साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है। और अभी मैं जस्ट नहा के आ रही हूँ, हेयर वॉश भी कर लिया, गंदे हो गए थे पूरा डस्ट डस्ट। अब चलते हैं कुछ खाते हैं, पेट पूजा भूख लगी है।